बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी हम जो स्टडी कर रहे थे उसके आगे आप स्टडी करने लगे हैं टिप्स टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसकी टिप्स हम स्टडी करने लगे हैं। नंबर 1, प्लानिंग करके, सेट इंडक्शन करके, प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन से एंड इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस। कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करें, सेट इंडक्शन करें, जो भी डिटेल में स्टडी किए हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन सेट करें, फिर क्वेश्चनिंग क्या उनसे करनी है स्टूडेंट ने हमसे, या हमने स्टूडेंट से, फिर उनको किस तरह से हम इंकरेज करें कि वो हमसे क्वेश्चन करें, किस तरह से हमारे साथ वो इंगेज हो। उसके अलावा हम एग्जाम्पलीफिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मेथडोलॉजीज के थ्रू, जजिंग द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को हैं एंड और समिंग अप, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको अगर हम यूटिलाइज करें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव और अट्रैक्टिव हो सकती है। ये इसके लिए टिप्स है। इसके लिए हमें करना क्या है, पिच ऑफ द वॉइस, जो हमने अपनी वॉइस है जैसे हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर फोकस करना है, कि किस वर्ड पे फोकस करना है, किस पे एम्फसाइज करना है, कम अपना वॉल्यूम या पिच हाई या लो करनी है, फिर पॉजेस कहाँ पे हमने ब्रेक लगानी है, कहाँ ब्रेक का मतलब पॉज करना है, बच्चों को सोचने का, समझने का मौका देना, टाइम देना है कि वो उस चीज को ग्रैप्स कर लें, फिर हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कब तेज कब स्लो, फिर लिंकेज, हम चीजों को प्रीवियस नॉलेज को लेटेस्ट नॉलेज और लेटेस्ट नॉलेज को अपकमिंग फ्यूचर नॉलेज के साथ कैसे लिंक करें, फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हम किस तरह से रेफरेंसेस दें, एग्जांपल्स दें, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हमने करना है कि जिस क्लास को हम प्रेजेंट करने चाह रहे हैं उसका लेवल क्या है, आया वो स्टैंडर्ड 1 में है, 2 में है, 3 में है, सेकेंडरी में है, एलिमेंट्री में है, या प्राइमरी में है, कौन से लेवल के स्टूडेंट है, फिर फटीग एंड बोर्डम हमने अवॉइड करना है कि बच्चे हमारी बातों से बोर ना हो जाए, या ऐसी बात ना करें जो उन्हें समझना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दरमियान आपकी जो होती है ओरल कम्युनिकेशन होती है, ह्यूमर आपका जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन जो होनी चाहिए आपकी वो क्लियर और बेहतर होना चाहिए। ये टिप्स है टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड 1। एक टीचर की परफॉर्मेंस लेते हैं स्टैंडर्ड 1 में। द टीचर इफेक्टिवली यूज मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स। टीचर क्या कर रहा था, इफेक्टिवली यूज कर रहा था मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, डिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशन, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठो खेलो कूदो, उसके मुताबिक। द टीचर कैन रिप्रेजेंट एंड यूज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड थ्योरीज। क्या कर सकता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट और थ्योरीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। द टीचर कैन इवेल्युएट टीचिंग रिसोर्सेज एंड करिकुलम मटेरियल। वो स्टैंडर्ड 1 का टीचर अपने परफॉर्मेंस में टीचिंग रिसोर्सेज को और करिकुलम मटेरियल्स को क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है। द टीचर इंगेज स्टूडेंट्स इन जनरेटिंग नॉलेज एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। वो बच्चों को नॉलेज को जनरेट करने में इंगेज कर सकते हैं और टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमने क्या करते हैं, एक मफरूजा है जो हम प्लान करते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं कि हाँ ये बात सच है या झूठ है, या ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। द टीचर कैन क्रिएट इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग एक्सपीरियंसिस। वो एक दूसरे के साथ मिल के डिसिप्लिन के साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है बच्चों। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड 2। इसमें हम क्या करने लगे हैं, आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड 2 में। द टीचर अंडरस्टैंड्स हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप एंड कैन प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट सपोर्ट देयर इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। टीचर क्या करें, अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से बच्चे सीखें, डेवलप करें और प्रोवाइड करें लर्निंग अपॉर्चुनिटी उन्हें, जो सपोर्ट करे देयर इंटेलेक्चुअल, सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट। टू अकॉम्प्लिश दिस स्टैंडर्ड द टीचर शुड अंडरस्टैंड हाउ लर्निंग अकर्स, हाउ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज। इस चीज को पूरा करने के लिए टीचर ने क्या देखना कि किस तरह से जो लर्निंग है वो करो, कहाँ पे स्टूडेंट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, अक्वायर करे स्किल्स को, डेवलप करे हैबिट्स ऑफ माइंड एंड नोज हाउ टू यूज द instructional strategies that promote students learning for a wide range of students abilities. The teacher should also understand that student physical, social, emotional, moral and cognitive development, जो cognitive उसे intellectual and mental development भी बोलते हैं, influence learning and knows how to address these factors when making instructional decisions.
आपने ये माइंड में रखना है, जब भी आपने बच्चों को कोई चीज़ डेवलप करनी है, कोशिश करनी है कि उनकी जो डिफिकल्टीज हैं फिजिकल में आएगी, सोशल में आएगी, इमोशनल या मॉरल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी, तो आपने लर्निंग को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है बच्चों में कि इन सब लिहाज से फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, कॉग्निटिव लिहाज से उनकी डिवेलपमेंट हो सके। परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड टू, पहले हमने डिफिकल्टी स्टडीज की, अब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। द टीचर असेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू डिजाइन स्ट्रक्चर। टीचर क्या करता है, असेस करता है इंडिविजुअल का और ग्रुप की परफॉर्मेंस को कि वो डिजाइन करें इंस्ट्रक्शन को। द टीचर स्टिमुलेट स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड लिंक न्यू आइडियाज टू ऑलरेडी फैमिलियर आइडियाज। वो क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ नए आइडिया को फैमिलियरली लिंक करता है नॉलेज को। द टीचर असेस स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसेस एज अ बेसिस फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। असेस कर रहा था कि इनकी थिंकिंग और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की किस पे बुनियाद कर रही है या किस पे बेस कर रही है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड थ्री। अब हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि बच्चों को क्या मुश्किल आती हैं लर्निंग में स्टैंडर्ड थ्री के बच्चों को। द टीचर understand how students differ in their approaches to learning and creates. Teacher ने understand करना है कि बच्चे किस तरह से different हैं, किस लिहाज से कि उनकी learning की approaches किस तरह different है और किस तरह वो create करेगा instructional opportunities that are adopted to diverse learners. के जो वो चीज़ पढ़ाना जा रहा है हर तरह के, जैसे हम discussion कर रहे होते हैं, कुछ बहुत intelligent student होते हैं, कुछ normal होते हैं, कुछ below average होते हैं, कुछ average होते हैं, बच्चे सब भी लाइक होते हैं लेकिन सबकी अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। अब टीचर ने कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि सब बच्चे उसकी चीज को ग्रैप्स कर लें और अंडरस्टैंड कर सके, तो पहले आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंसेस को, फिर वो ऐसी चीज अडॉप्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा इंस्ट्रक्शन की जिससे वो ये सारी चीजें हैंडल हो जाए, मैनेज हो जाए। टू अचीव दिस स्टैंडर्ड द टीचर शुड अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन अप्रोचेस टू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस मूड्स एंड मे डिजाइन इंस्ट्रक्शन that help you students strengths as the basis for growth. The teacher should also understand and provide adoption for areas of expectationality in learning including learning disabilities, visual and perceptual difficulties and special physical or mental challenges. The teacher should have knowledge about the process of second language acquisition and about strategies to support the learning of students whose first language is not English. इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि डिफरेंट अप्रोचेज है बच्चों के, डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, डिफरेंट ग्रोथ है उनकी, कुछ को विजुअली इम्पेयरमेंट होती है, कुछ को लिसनिंग की होती है, कुछ को मेंटल, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए उनकी उनकी लैंग्वेजेस, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसी अप्रोच यूज़ करनी है जिससे बच्चों की लर्निंग इनहांस हो और वो जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफिल कर सके। परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स In standard 3, the teacher believe that all children can learn at high levels and persist in helping all children achieve success. क्या बिलीव करते हैं स्टैंडर्ड 3 में बच्चों का ये लेवल होता है कि वो हाई लेवल पे सीख सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। The teacher respects students as individual with different personal simple बातें हैं। The teacher is sensitive to community and cultural norms. वो sensitive होता है community और cultural norms जो रसूमात होती है उसके लिहाज से। Teacher makes students feel valued for their potential as people and help them learn to value it each other. Teacher क्या करता है, इस तरह बच्चों को feel कराता है कि वो potential है, लोगों के काम है और एक दूसरे की value को, एक दूसरे को value दे, students और teachers. The teachers can identify when and how to assess appropriate resources to meet the needs of students with particular talents. The teacher brings multiple perspectives to the discussion of subject. The teacher creates a learning community in which individual differences are respected. ये तमाम चीजें करके वो क्या कर सकता है, बच्चों के दरमियान उनकी जो different approaches है उसको overcome करके उनकी learning को enhance कर सकता है higher level पर। Universal teaching principles. Apply multi-sensory strategies. Multi different मतलब जैसे sense है, hearing है, touch है, तो वो हमारे जो फाइव सेंसरीज को यूज करते हुए मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज को यूज कर सके वो इम्प्रूव कर सकता है टीचिंग प्रिंसिपल्स को। प्रैक्टिस टू द पॉइंट ऑफ
ऑटोमाइजेशन यूज फॉर अ प्रोसेस, चीजों को ऑटोमेट कर सकता है। माइक्रो यूनिट एंड स्ट्रक्चर टास्क, एक स्मॉल यूनिट के लिहाज और स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी प्लान टास्क, प्रोवाइड डायरेक्ट सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन रिव्यू एंड स्पाइरल बैक, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। जैसे टीचर एडवाइजर है, कोच है, मेंटोर है, रोल मॉडल है, लीडर, ये सारी चीजें करने के लिए टीचर को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे एट द एंड जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो क्या होती है, इनहांस हो जाती है। प्रिपेयरिंग लेसन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड, अब हम अपने लेसन प्रिपेयर करते वक्त ये चीज नोट पे रखनी है कि इंडिविजुअल्स की क्या क्या नीड है और किस तरह से हर एक स्टूडेंट्स को ये लेक्चर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर प्रिपरेशन इज द टीचर्स बेस्ट असिस्टेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी व्हाटएवर हिज लेसन इज इजी और डिफिकल्ट, अ टीचर शुड प्लान फॉर हिज लेसन व्हाटएवर एक्सीलेंट द टीचर इज, इट इज नॉट reasonable for anyone to excel any work without preparation and being ready to perform it. Inefficiency in this domain is considered an inefficacy in one of the main duties of this job. The teacher plans his year or term plan before the school year begins by specifying the main features of the subject, distribution, objectives, method, techniques, suggested time and method of evaluation. In simple, जब आप एक चीज के लिए preparation करते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको लेके चलते हैं, और जब prepare नहीं करते तो उसमें deficiency रह जाती है। तो आपने अपनी distribution, time management, objectives, method, techniques और suggestions और time and method of evaluation को इस तरह से plan करना है कि उसमें हर individual को आप क्या कर सके, time दे सके, manage कर सके और उनके learning outcomes को आप fulfill करके लर्निंग को बेटर कर सके। स्टेप्स टू प्रिपेयर लेसन, किस तरह से, हाउ टू मेक अ परफेक्ट लेसन प्लान, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले, देन आपने प्रेजेंटेशन, आपके लेसन की जो बॉडी होती है वो रेडी करनी है, फिर आपने उसके लिए प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके, डिलीवर कर सके अपना लेसन, फिर आपने एवेल्युएट करना है अपना लेसन, बच्चों से क्वेश्चन करके एवेल्युएट कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे के कर सकते हैं, डिफरेंट वे से, देन आपने एक्सपेंशन, उसको मजीद किस तरह एक्सपेंड करना है, होमवर्क दे के यहाँ लिंक कैसे करना है चीज़ों को। स्टूडेंट एवेल्युएशन, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट एवेल्युएशन, बहुत से डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट एवेल्युएशन के लिए, जैसे क्वेश्चनिंग करके, क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू, ओपन क्लास डिस्कशन के थ्रू, मिनट पेपर देख के रिस्पॉन्स करें आज आपने क्या सीखा, इंडेक्स कार्ड के थ्रू, कोर्स एग्जाम्स एंड असाइनमेंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, और मिड क्वार्टर एवेल्युएशन के थ्रू, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नमक बलोपुर यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम्पल देती है कि ये आपकी असाइनमेंट है या ये आपका पेपर है, आपने इसको फुलफिल करना है, तो ये एक ड्यूरिंग फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी समरी हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए आज के यूनिट में हमने क्या किया। आज के जो हमने टीचिंग स्किल्स को डिस्कस किया, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग कोर्स कोड 8601 यूनिट 8 में, उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, फिर हमने टीचर रोल्स स्टडी किए, फिर 10 स्किल्स देखे मॉडर्न टीचर्स के, फिर हमने टीचिंग स्किल्स क्या है, फिर टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर हमने सेट इंडक्शन देखे, उसमें क्वेश्चंस के क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना, किस तरह पढ़ाना, फिर स्टेप देखे हमने सेट इंडक्शन के, स्टार्ट, ट्रांजिट, एवेल्युएट, प्रोग्रेस, फिर हमने रीजंस देखी फॉर यूजिंग सेट इंडक्शन की, फिर सेट्स आर अप्रोप्रिएटेड, किस तरह से अप्रोप्रिएटेड हो सकते हैं और कौन कौन से जगह पे यूज किए जा सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन देखे, जिसमें फैसिलिटेटिंग सेट देखा जिसमें समरी थी, फिर मोटिवेटिंग सेट जिसमें मोटिवेट करना था बच्चों को, फिर समरी जिसमें दोनों यूज करना था, फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन की डिटेल में, प्रेजेंटेशन के अपने पार्ट देखे जिसमें इनपुट, मॉडलिंग, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिर 21st सेंचुरी से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है उसके हमने एग्जांपल देखे, फिर कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स देखे जिसमें वॉइस, ट्यून एंड वोकैबुलरी हमने डिस्कस किए, ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज किया, उसके बाद हमने टिप्स देखे टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव, उसके बाद हमने परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड 1 डिस्कस किया, फिर आइडेंटिफाइंग देखिए कि किस तरह से लर्निंग डिफिकल्टीज को डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और परफॉर्मेंस और डिफिकल्टी देखी स्टैंडर्ड 1, 2, 3 से रिलेटेड, फिर हमने यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए कौन से चीज जो यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद हमने प्रिपेयरिंग लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड
देखते हुए किस तरह लेसन में प्रिपेयर करना है, फिर हमने स्टेप्स देखे टू प्रिपेयर लेसन्स, जिसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेंशन। फिर हमने स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन कौन-कौन से तरीकों से की जा सकती है ये डिस्कस किए, और नाज़मी नामा के बालूपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पेपर्स शो किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।